वी आर हेयर एट नाहरगढ़ फोर्ट, एंट्री किया है, ये चल रही है, शीश महल है। किस किस चीज का? अगर आप शीश महल, सोयल दरबार, शीश महल वगैरह देखना चाहते हैं, अच्छा, तो उसका ये अलग एक्स्ट्रा टिकट है, और ये सिर्फ किले में यहाँ से जयपुर का व्यू देखने के लिए है, 50 रुपीज का टिकट। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ ले लीजिए जानकारी टिकट। अब पहले घूमाए आगे का देखना चाहते हैं। हाँ 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 ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अमीर खान, हाँ वो सब आते हैं जी, जयपुर घूमने के लिए आते हैं जी, उसके बारे में बोलते हैं कि हम जयपुर में घूम रहे हैं, किसी पानी में जब भी आते हैं बस के लिए पार्सल वगैरह। हाँ जी हाँ जी, अच्छा वो ये जगह है। यह है सर माधवेंद्र भवन है, माधव सिंह सेकंड से उन्होंने ये बनवाया था, माधव सिंह सेकंड की नौ प्रियसी थी। हाँ जी, नौ प्रियसी को उन लोगों ने उसके लिए नौ समान कंपार्टमेंट बनाया। अच्छा, तो राजा ने कॉमन गैलरी बनाई, किस राजा किस रानी के पास जा रहा है, दूसरे रानी को उसके बारे में खबर नहीं होती थी। अच्छा, और ये पैलेस बना है 1880 से लेकर 1935 के बीच में। अच्छा जी, मानसिंह ने, वो जय सिंह, सॉरी माधव सिंह सेकंड ने इसको बनवाया। अच्छा अच्छा, मतलब अपना एक एंजॉय फुल पैलेस बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब यहाँ लिखा है कि तो के ऊपर ना बैठे क्योंकि आप उड़ सकते हैं। तो पप उड़ा देगी। अच्छा, दीज आर द 9 कंपार्टमेंट्स हियर, 9 रानियां थी, तो नाम भी जो हैं सूरज चंदा तारे ऐसे रखे हुए हैं, चांद प्रकाश सूरज प्रकाश, दीज आर द विंडोज हेयर रानियों की, जिस जहाँ से वो देखती थी, और ये कंपार्टमेंट्स हैं जो 9 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से विल शो यू 1 कंपार्टमेंट, तो सिमिलर हैं, आमने सामने के जो हैं सिमिलर हैं। हम जा रहे हैं खुशहाल प्रकाश। अच्छा, दिस इज बेसिकली द स्टोर रूम, ये किचन, ये थोड़ा रहने का, एंड प्लस दिस इज किचन बाथरूम, सॉरी। एक रानी को एक खातर भूल बस हुई रहे थी, एक रानी को महल के जो गेट का है, इस गेट पे उसको सामने जाने जा रही थी, रानी किस गेट से जाएगी कि वो राजा से अंदर जाके मिल सकते। अच्छा, सामने से जाना, सामने से सिर्फ राजा को जाना अलाउ, दूसरा मेंबर रानी को अलाउ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ बैठने की जगह राजा, मतलब बेडरूम है ये? ये रानी का बेडरूम है, राजा का बेडरूम है। अच्छा, राजा और रानी का बेडरूम है, एक रानी का उनकी। आग जलाने के लिए, ठीक है। हमारे छोटे गाइड, हमारे सेमी गाइड, सेमी गाइड। तो अभी हम लोग ऊपर जाने हैं, जब से
विंडो से देखते थे। वेस्टेज सामान को भी रखने के लिए ये जगह बनाई है। इसके अंदर एफिशिएंसी तो ये जो गली है ना इधर से और इधर से, ये सिर्फ राजा की गली है, इसमें से सिर्फ राजा जा सकता था। ताकि ये हर रानी के मतलब जो कंपार्टमेंट है उससे कनेक्टेड है अंदर से ही, ये चारों तरफ से उधर से घूम के उस तरफ। तो बेसिकली किसी को ये नहीं पता होता था वो किस रानी के पास जा रहा है राजा, तो इसमें कोई और नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये दरवाजे नए बनाए गए हैं, यहाँ पे पहले कर्टन्स होते थे। एंड ये जो विंडोज हैं इसमें से राजा अपनी सामने वाली रानी के साथ कनेक्ट कर पाता था। ये देखो तो यहाँ से वो रानी को देख पाता था, अगर वो सामने वाले में है तो वहाँ से इस रानी से भी कनेक्ट कर पाता था जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें जो सामने जो राजा आएगा वो वाला कंपार्टमेंट पूरा फुल है। अच्छा, जो एक एक्स्ट्रा उन्होंने निकाल रखा था वो यहाँ बंद कर दिया गया। अच्छा, वाला पार्ट है वो बंद। अच्छा, यहाँ से ईस्ट जयपुर का, ईस्ट जयपुर का वो सामने जो वो जो खाली ग्राउंड वो चौगा स्टेडियम है जहाँ की पहले राजा राजा होटल। अच्छा, वो जो गणगौरी मूर्ति थी वो बड़ा स्थल है। कहाँ पे मूर्ति, कहाँ पे? उस सामने जो झील सी दिख रही है ना, झील दिख रही है जी, वो छोटा सा कटोरा है। हाँ जी, उस कटोरे में क्या था? उसमें अपने यहाँ पे जो तीज और गणगौर फेस्टिवल होती है, हाँ जी, गौरी की पूजा की जाती है। तो ग्रामीण महिलाएं उस गौरी पूजन के बाद में उनकी मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन का काम उसमें करती है। अच्छा 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 अच्छा, 16 दिन ईश्वर गणगौर पूजा जाता है तो वो वाला सिस्टम। अच्छा, उसका जो मूर्ति विसर्जन का वो सिस्टम अभी भी है। अच्छा, जयपुर की लोकल लेडीज हैं जिनकी नई शादियाँ हुई है और वो 16 महीने के मतलब अपने होली के बाद वो पूछती हैं गणगौर वगैरह पूछती हैं, या कुछ लेडीज फेस्टिवल आता है। तो पीछे हमने देखा ईस्ट जयपुर जो यहाँ पे से पूरा दिखता है। अभी हम और छत पे जा रहे हैं जो कंपार्टमेंट से उनके रानी के बैठ के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल, और वहाँ से वो कॉमन गैलरी है, उस गैलरी से राजा। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसी के अंदर वंस अपॉन अ टाइम के नाम से पहले रेस्टोरेंट बना हुआ। अच्छा, और इसके बराबर वाला जो झील देख रहे इस सारे में यानी छोटा सा वो नजर आ रहा है वो वहाँ पे राजा महाराजा के टाइम पे कैदियाँ जो कुछ रहते थे उनको कैदी के रूप में रखा गया। कैदी के रूप में यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जयपुर के एक राजा थे जगत सिंह, वो अय्याश टाइप के आदमी थे। उन्होंने उनके एक रखेल थी जिसका नाम था रसव कपूर, उसको यहाँ पे कैद में डाला गया। ठीक है, सो दिस इज द व्यू फ्रॉम नाहरगढ़ फोर्ट, ईस्ट जयपुर, पूरा ईस्ट जयपुर। तो ये बेसिकली इसमें मेट्रिक व्यू में बनाया हुआ है। ये देखो यहाँ विंडो है, यहाँ विंडो है, मतलब जहाँ जहाँ विंडो है वहाँ पे ये बनाए हुए हैं। और वो बाहर की साइड के पीछे की, इस साइड भी बाहर की साइड में सीधी सीधी रेखाएं दिख रही है ना, वो वाला एरिया पिंक सिटी वाला है, बाकी जो बाहर इतना भी एरिया दिख रहा है सिर्फ आउट ऑफ सिटी वाला एरिया। ये और ये दी ज़्यादा थ्री लाइंस यू कैन सी, ये पिंक सिटी एरिया है।
ये और ये, और सामने जो देख रहे हैं मीनार। हाँ जी दिख रहा है जी, दिख रहा है आपको? हाँ जी, वो अपने यहाँ जयपुर के जो राजा थे उसके फर्स्ट नंबर के पुत्र थे, फर्स्ट पुत्र थे जो ईश्वर सिंह, उनके ईश्वर सिंह के द्वारा बनाए गए, उनकी भी उन्होंने अपने विजय उपलक्ष्य में बनवाई थी। अच्छा 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 अच्छा, उसे बोलते ईशर अलाट, ईशर अलाट। नाहर सिंह जी के नाम से एक टेम्पल है बनाया हुआ है, बाकी सिटी दिख रही है यहाँ से। यहाँ पे पहले ओपन बियर बार थे जो बता रहे हैं, और सनसेट व्यू पॉइंट भी आता था यहाँ से। अच्छा, कभी ये बंद कर दिया गया कि यहाँ नील गायें वगैरह काफ़ी आ जाती हैं रात को ना, नीचे के साइड से रोड से ऊपर से, इसलिए इसको बंद कर दिया। पहले 12 बजे तक ये ओपन रहता था। सो दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट है यहाँ का जयपुर का जो यहाँ से दिखता है। तो हम जहाँ पे होटल में रुके हैं वो यहीं कहीं जंगल के पास का एरिया है, मतलब ये डिफेंस एरिया जहाँ पे ग्रीनिश दिखा रहा है, तो उसी के आसपास हम लोग रुके हुए हैं कहीं जयपुर में। हम पहले उस वो सामने जो विंडो दिख रही है आपको उस तरफ थे, उसके छत के ऊपर से हम लोग इधर आ गए हैं। सेम एवरीथिंग इज़ इन द सेमेट्री। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, चलो यहीं से जैसे हम ऊपर आए थे वैसे ही नीचे जा रहे हैं। तो हम बाहर आ गए हैं,